नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें। मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, सभी बड़ी खबरें जानना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी ने भरी है हुंकार, कर दिया है बड़ा दावा, 2024 में बीजेपी को हराएंगे, चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी जीत की कही है बड़ी बात। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा को हरा देगी, यह गारंटी है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस भाजपा को टक्कर नहीं दे सकती है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने यह भी दावा किया है कि आने वाले दिनों में चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी एकतरफा जीत हासिल करेगी। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस का डाउनफॉल है, यह हकीकत नहीं है। कर्नाटक में किसका डाउनफॉल हुआ, हिमाचल प्रदेश में किसका डाउनफॉल हुआ, यानी कि कौन सी पार्टी हारी, अब आप लोग ही देखेंगे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में किसका डाउनफॉल होता है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, यह एक विचारधारा है, एक सोच है, हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिलों में है कांग्रेस पार्टी। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि गारंटी के साथ मैं ये कह रहा हूं कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस भाजपा को हरा देगी। ये यहां पर राहुल गांधी ने काफी बड़ा दावा किया है। दोस्तों, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि राहुल गांधी का दावा सच साबित होगा तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, राहुल गांधी के बयान के समर्थन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा वी सपोर्ट इंडिया। इसके साथ ही एक और अपडेट बताते चलें, महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़ देखने को मिल रहा है। शरद पवार बोले, अजीत पवार ही हमारे नेता, एनसीपी में कोई भी फूट नहीं। जी हां दोस्तों, पहले शिवसेना और फिर एनसीपी में फूट के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस बीच अब शरद पवार ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे सियासी हंगामा मच गया है। महाराष्ट्र के बारामती में शरद पवार ने एक चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा है कि एनसीपी में किसी तरह की कोई भी फूट नहीं है और इसमें कोई भी मतभेद नहीं है कि अजीत पवार ही पार्टी के नेता हैं। और यहाँ पर बताते चलें, शरद पवार का यह बयान ऐसे समय में आया है जब यहाँ पर जल्द ही इंडिया गठबंधन की बैठक मुंबई में होने जा रही है, और उससे पहले यहाँ पर शरद पवार ने कहा है कि अजीत पवार ही हमारे नेता हैं, जिसके बाद यहाँ पर सियासी भूचाल साफ तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें आप लोगों को, मध्य प्रदेश से खबर आ रही है, चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक के बेटे बहू कांग्रेस में हुए शामिल, लगातार तमाम दिग्गज नेता भाजपा छोड़ करके मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में बस कुछ ही दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले बीजेपी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। बताते चलें, सतना जिले के रैगांव विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक जुगल किशोर बागरी के बेटे देवराज बागरी और उनकी पत्नी ने भोपाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने बीजेपी को लगे इस झटके पर कहा है कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में बीजेपी के लोग कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, शिवपुरी आदि स्थानों से कई बीजेपी नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बीजेपी में बुरी तरह से भगदड़ मची हुई है और इस भगदड़ का नतीजा है कि सरकार अब मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहती है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में तमाम नेता लगातार यहाँ पर ज्वाइन हो रहे हैं और भाजपा के लिए है तगड़ा झटका। एक और बड़ी खबर बताते चलें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान, बोले लगता है छत्तीसगढ़ में मेरे खिलाफ भाजपा नहीं ईडी और सीबीआई चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, खबर बताते चलें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि उनके कुछ करीबियों के खिलाफ
प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई का मकसद सिर्फ उनकी सरकार को बदनाम और अस्थिर करना है, लेकिन वह डरने वाले नहीं है। सीएम बघेल ने संवाददाताओं से बातचीत में कटाक्ष करते हुए यह भी कहा है कि ऐसा लगता है कि प्रदेश में अब उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं, बल्कि ईडी और सीबीआई चुनाव लड़ेंगे। दरअसल दोस्तों, ईडी ने हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, मुख्यमंत्री के दो ओएसडी, एक कारोबारी समेत अन्य लोगों के यहां पर छापा मारा था। इस पर सीएम बघेल ने आगे कहा है कि छत्तीसगढ़ को दबाने और बदनाम करने का प्रयास हो रहा है भाजपा की तरफ से। चुनाव नजदीक आते ही एक बार फिर से ईडी को सक्रिय कर दिया गया है। ये यहाँ पर जमकर के केंद्र सरकार पर भड़के हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। बीजेपी आरएसएस लगातार देश में नफरत फैला रहे हैं। लद्दाख की रैली में बोले हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने लद्दाख में कांग्रेस पार्टी की रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश में बीजेपी और आरएसएस लगातार नफरत फैला रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आगे कहा है कि लोकतंत्र में एक पार्टी दूसरी पार्टी से लड़ती है, लेकिन आज लोकतंत्र में यह नहीं हो रहा है। भाजपा ने देश भर के सभी संस्थानों पर नियंत्रण कर लिया है। उसको अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश पसंद नहीं आता है तो वे यहां पर अध्यादेश या संसद के जरिए उसको बदल देते हैं। आज मीडिया तक यहाँ पर निष्पक्ष नहीं है। ये यहाँ पर जमकर के भड़के हैं भाजपा और आरएसएस पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। अगर आप लोग भी राहुल गांधी के बयान से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइएगा। दोस्तों, एक और लेटेस्ट अपडेट बताते चलें। शिंदे गुट की पढ़ने वाली है मुश्किलें, 16 विधायकों की सदस्यता जा सकती है। जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है। शिंदे समेत 16 विधायकों ने 6000 पेज में दिया है लिखित जवाब। स्पीकर बोले पढ़ने के बाद लेंगे इस पर फैसला। महाराष्ट्र में शिवसेना के टूटने से बागी विधायकों की अयोग्यता के मामले में जल्द ही सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। शिंदे गुट के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों ने इस मामले में 6000 पन्नों का लिखित जवाब दाखिल किया है। इस पर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा है कि विधायकों के जवाब का अध्ययन करने के बाद ही नियम अनुसार निर्णय लेंगे इस पर। इससे पहले बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जल्द सुनवाई का निर्देश स्पीकर को दिया था। इसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष ने 16 विधायकों को नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब किया था। यहां पर उद्धव गुट की मांग है कि शिंदे समेत 16 विधायकों की यहां पर सदस्यता रद्द की जाए। ये यहां पर खबर आई है दोस्तों। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी हाल में अब बीजेपी से नहीं होगा समझौता, पार्टी की बैठक में बोले हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों खूब घमासान देखने को मिल रहा है। उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री पर यहां पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की एक अहम बैठक हुई है। इस बैठक में यहां पर कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। बताते चले, यहां पर इस बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी ने मुझे दो बार धोखा दिया है, एक 2014 और दूसरा 2019 में। ऐसे में फिर एक बार उन पर भरोसा करने का कोई सवाल ही नहीं है। इस बार बीजेपी से कोई भी किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। मैं सिर्फ अपने लिए लड़ नहीं रहा हूं, मैं इंडिया बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए लड़ रहा हूं। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।